नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शातिर अपराधी विकास दुबे की तलाश में गई थी पुलिस। विकास दुबे के ऊपर 60 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, अपहरण, चोरी आदि कई ऐसे मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि कानपुर के किसी निवासी ने विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, इसलिए पुलिस वहां उसकी तलाश में गई थी। सीओ, एसओ और एएसआई की पूरी टीम कई थानों से मिलकर गई थी। हालांकि पुलिस के दबिश की सूचना बदमाशों को मिल चुकी थी। विकास दुबे के साथियों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को कानपुर के रेजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह मामला चौबेपुर थाने के टिकणू गांव का है। यह गांव कानपुर शहर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर कन्नौज रोड पर पड़ता है। इससे ज़्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से हमारे रिपोर्टर विकास रावत की यह रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। धन्यवाद। यह मामला कानपुर के चौबेपुर थाने के टिकरू गांव का है, जहां पर विकास दुबे नाम का एक साथी क्रिमिनल है, जिसके ऊपर लगभग 60 क्रिमिनल केसेस हैं। उसी की तलाश में किसी ने वहां के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसी की तलाश में वहां के कई थाने की पुलिस गई हुई थी और उसको पकड़ने के लिए वहां पे और उसको दबिश बनाने के लिए, लेकिन वहां पर उसके आदमियों को पहले से ही खबर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने उसके ऊपर फायरिंग करवा दी और जिससे उसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। राजधानी लखनऊ से विकास का 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के एसोसिएटर के खिलाफ। वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है एसोसिएटर। इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ सिराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं। तो थाना चौबेपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी, जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे सीओ साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव और उनके साथ एक और सब इंस्पेक्टर है। और एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों से साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमी प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहां से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे।